आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, नौ पदार्थों का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत तीसरा पदार्थ जिसका नाम है पुण्य पदार्थ, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि ये जो संसार के जितने भी सुख हैं वो सब पुण्य से मिलते हैं। जैसे परिवार अच्छा मिलना, वाइफ अच्छी मिलनी, बच्चे आज्ञाकारी विनीत है, इसका मतलब पुण्य का उदय है। शरीर स्वस्थ मिलता है पुण्य के उदय से, रूप रंग और हमारी वॉइस भी, जब पुण्य का उदय होता है तब मेलोडियस होती है, एकदम स्वीट होती है। ने पुण्य के उदय से मतलब जो कुछ भी मिलता है संसार के सुख, और सब कुछ पुण्य के उदय से मिलते हैं। और मनुष्य भाव में जो बड़ी बड़ी पदवियां मानी जाती हैं, जैसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, मांडलिक राजा, जो बड़ी पदवियां हैं वे सभी पदवियां भी पुण्य के उदय से मिलती हैं। और स्वर्ग में जो इंद्र हैं, नरेंद्र हैं, देवेंद्र हैं, अहमिंद्र हैं, वे सब जो भी वहां भी पदवियां हैं वो भी पुण्य के उदय से मिलती हैं। और स्वर्ग के जो सुख हैं वो भी पुण्य के उदय से मिलते हैं। यानी संसार के जितने भी सुख हैं, एक शब्द में कहें संसार के जितने भी सुख हैं वो सब के सब पुण्य के उदय से मिलते हैं। और जिसके पुण्य का उदय अच्छा होता है, घर में सुख शांति समृद्धि सब दृष्टि से उनको घर में फैसिलिटी होती है, किसी भी प्रकार की उनके घर में कमी नहीं होती है, इसका मतलब है पुण्य का उदय उनके जोरदार चल रहा है। तो हमने 51 गाथा की हमने चर्चा की थी, 51 गाथा तक। आज हम करेंगे 52 से। तो पुण्य तनि वंछा किया लागे छे एकंत पाप हो ला, तिन सु दुख पामे संसार में बदतु जाए सोग संताप हो ला। पुण्य तनि वंछा किया, पुण्य की वंछा का मतलब इच्छा करने से क्या लगता है, एकांत पाप लगता है। इसलिए कभी भी मन में पुण्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मुझे पुण्य मिले, पुण्य के प्रभाव से मुझे सब कुछ मिले, अनुकूलताएं, वो बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि तीन सु दुख पामे संसार में बद तो जाए सोग संताप हो लाल। तीन सु मतलब पुण्य की इच्छा करने से संसार में जीव को क्या मिलता है, दुख मिलता है। और वधतो जाए सोग संताप हो, और उनका सोग यानी शोक और संताप दोनों ही वधतो जाए यानी बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि पुण्य के जो सुख हैं वो मिलेंगे, आप उसका भोग करेंगे, उसके प्रति अटैच हो जाएंगे, आसक्ति हो जाएगी। तो आसक्ति का परिणाम क्या होगा, उससे हमें नीची गति मिलेगी, दुर्गति मिलेगी। इसीलिए हमारा शोक संताप यानी कष्ट भी बढ़ता जाएगा और जन्म मरण की परंपरा भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए पुण्य की कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य की इच्छा करना एकांत पाप है। कई लोग कहते हैं हम पुण्य के लिए करते हैं, इसलिए हमें कोई भी काम, धार्मिक अनुष्ठान कोई भी हो, हमें पुण्य के लिए नहीं करना है। हमारा एक ही लक्ष्य हो, निर्जरा के लिए, आत्मा हमारी शुद्ध हो, कर्मों की निर्जरा हो, उस भाव से हम जो भी अनुष्ठान करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे तप करें, जो भी हम करें, जप करें, जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान करें, एकमात्र हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, निर्जरा। तो निर्जरा होगी तो उसके साथ अपने आप पुण्य होगा, अकेला कभी भी पुण्य होता नहीं है। नेक्स्ट, जीण सु पुण तनि वंछा करी तीन वांछिया काम ने भोग हो लाल, क्याने दुख होसी नरक निगोदना बले बालारा पड़सी बिजोग हो लाल। जीण सु पुण तनि वंछा करी, जिसने जीण से ने जिसने पुण्य यानी पुण्य की, पुण्य तनि पुण्य की वंछा करी यानी इच्छा की, तीन वांछिया काम ने भोग हो लाल। उसने क्या इच्छा की, काम भोग की इच्छा की। पुण्य की इच्छा का मतलब है उसने काम भोग की इच्छा की। और काम भोग का सेवन करने से क्या मिलता है, क्याने दुख होसी नरक निगोदना, उनको नरक और निगोद के दुख मिलेंगे।
भले वालारा पड़सी भी जोग हो, और प्रिय वस्तुओं का भी, वाला का मतलब प्रिय वस्तु जो है उनका भी, उनको भी जोग यानी वियोग होगा। इसलिए पुण्य की कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य की इच्छा की तो उसका परिणाम क्या मिला, नरक और निगोद। क्योंकि इतनी इतने पुण्य के प्रभाव से आपको फैसिलिटी मिल गई, लेकिन उसमें आप इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, धर्म कर्म सब भूल गए, उस भोग विलास में ही रह गए, जिसके कारण इतने कर्म बंध गए, तो उनका फल हमें भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नरक निगोद में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें पुण्य की इच्छा नहीं करनी है, ये आचार्य भिक्षु का कहना है। पुण्य तणा सुख असासता, ते पिण करणी मीण नहीं थाय हो लाल, निर्वध करणी करे तेहने पुण्य तो सहजा लागे छे आय हो लाल। तो 54 श्लोक में आचार्य भिक्षु बता रहे हैं, क्योंकि ये जो नव पदार्थ हैं इसकी रचना आचार्य भिक्षु ने की है। तो पुण्य तणा सुख असासता, ने पुण्य तणा ने पुण्य के जो सुख है, असासता यानी अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। ते पिण करणी मीण नहीं थाय हो लाल, जो पुण्य जो होते हैं वो भी करणी के बिना, यानी शुभ करणी के बिना पुण्य के सुख भी हमें नहीं मिलते हैं। जब शुभ करणी करते हैं यानी धार्मिक अनुष्ठान जो भी शुभ होता है, उसके पीछे ही पुण्य होता है, अपने आप नहीं होता है। निर्वध करणी करे तेहने पुण्य तो सहजा लागे छे आयो हो, निर्वध्य जो करणी करता है तेहने मन उसको पुण्य तो यानी पुण्य तो सहजा यानी स्वाभाविक रूप से उनको मिल जाता है। जो निर्वध्य करणी करता है, निर्वध्य का मतलब है जो पाप रहित जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, हिंसा झूठ चोरी मैथुन कसाय, ये जो पाप है 18 पाप, वो बिल्कुल भी उसमें नहीं है। निर्वध्य करणी है जिसमें पाप रहित करणी है, पाप रहित जो भी हमारी क्रिया है, जो भी एक्टिविटीज पाप रहित है, वो अगर हम करते हैं तो उनके साथ सहज ही, सहजन सहज ही स्वाभाविक रूप से नेचुरल उससे क्या होता है, पुण्य अपने आप हो जाता है। आपको पुण्य के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन आप निर्वध्य करनी करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उसके साथ सहज ही आपको पुण्य का बंध होगा। लेकिन पुण्य के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब तक पुण्य का उदय रहता है तब तक भी हमें मोक्ष नहीं मिलता है। पाप का फल जैसे भोगना पड़ता है, वैसे ही पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों जब खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, तब हमें मोक्ष मिलता है। जब तक पुण्य का उदय भी रहेगा तब तक भी हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, और पाप का उदय है तब तो मोक्ष मिलने का सवाल ही नहीं है। वैसे ही पुण्य का उदय होता है तब तक भी हमें मोक्ष नहीं मिलता है, उनका हमें भोग करना ही पड़ता है। पुण्य पाप दोनों ही समाप्त होते हैं तब हमें मोक्ष के सुख मिलते हैं। तो मोक्ष के सुख कितने हैं आपको पता है? कहा गया मनुष्य के सारे सुख, जितने भी मनुष्य हैं उनके सारे सुखों को इकट्ठा किया जाए, उसके आगे देवता जितने भी हैं उनके सुखों को इकट्ठा किया जाए, तो मनुष्य के सुख देवता के आगे पानी जैसे, यानी तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य के सुख देवता के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि देवता के बहुत ज्यादा सुख है। लेकिन आगे क्या कहा कि देवता के जितने भी सुख है उन सबको इकट्ठा किया जाए, तो मोक्ष के सुख के आगे देवता के सुख भी ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि देवता के जो सुख है वो परमानेंट नहीं है, एक लिमिट है उनका, एक लिमिट के बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष के सुख ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। इसीलिए हमें केवल इच्छा करनी है हमें मोक्ष मिले। इसीलिए हमारा स्वाध्याय भी हमारा दोपहर में चलता है संडे संडे, मोक्ष सुख के, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल, जल्दी जल्दी जाने के लिए मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल, तो उसमें हमारी चर्चा चल रही है। तो मोक्ष हमें जल्दी कैसे मिले उसकी हमें इच्छा करनी है, लेकिन पुण्य की हमें इच्छा नहीं करनी है। पुनरी वंशा सु पुन न नीपजे, देखो यहाँ आचार्य भिक्षु क्या कर रहे हैं, पुनरी वंशा सु पुन न नीपजे पुन तो सहजे लागे छे आयो हो लाल, ते तो लागे छे निर्बध जोग सुन, निरजरारी
सु ताही हो लाल, पुनरी वंचा सु, पुनरी यानी पुण्य की, वंचा यानी इच्छा से, सु माने से, पुण्य न निपजे, न निपजे नहीं होता है, पुण्य यानी पुण्य नहीं होता है, पुण्य की इच्छा करने से पुण्य नहीं होता है। अगर कोई कहे मैं तो पुण्य के लिए सामायिक करती हूँ, मैं तो पुण्य के लिए ध्यान करती हूँ, पुण्य के लिए स्वाध्याय करती हूँ, पुण्य के लिए तपस्या करती हूँ, तो पुण्य के लिए अगर करते हैं तो उनकी तपस्या भी बेकार चली गई और पुण्य भी उनको नहीं हुआ। तो पुण्य के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। तो आचार्य भिक्षु कहते हैं पुनरी वंचा सु ना निपजे, पुण्य की इच्छा करने से पुण्य नहीं होता है। पुण्य तो सहजे लागे छे आयो हो लाल, पुण्य तो सहज ही लागे छे आए, वो तो सहज ही आकर के लगते हैं, यानी पुण्य तो सहज ही बंधते हैं। जैसे किसान होता है वो क्या करता है, अनाज के लिए खेती करता है, लेकिन उसके साथ सहज ही घास फूस हो जाते हैं, वो घास फूस के लिए खेती नहीं करते हैं, सहज ही वो घास फूस हो जाते हैं। वैसे ही पुण्य अपने आप नहीं होते हैं, वो सहज ही हो जाते हैं। किसके साथ होते, आगे बता रहे हैं, ये तो लागे चे निर्बध जोग सुन, निरजरारी करनी सु ताही हो लाल, ते तो लागे छे निर्बध जोग सु, ते तो यानी पुण्य तो कैसे लगते हैं, निर्बध्य योग सुन, निर्बध्य योग का मतलब है मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से, निर्जरा करनी सु ताही हो लाल, निर्जरा की करने से यानी निर्जरा की क्रिया करने से और निर्बध्य योग से वो सहज ही पुण्य का बंध हो जाता है। तो निर्जरा की करनी, निर्जरा के कितने प्रकार हैं, 12 प्रकार हैं, उनमें से कोई भी एक प्रकार की भी हम साधना करते उससे भी निर्जरा होती है, और निर्जरा के साथ पुण्य का बंध अवश्य होगा। निर्जरा अकेली नहीं होती है, उसके साथ पुण्य का बंध होता है, और पुण्य कभी अकेला नहीं होता है, उस पुण्य के साथ निर्जरा नहीं होती है, लेकिन निर्जरा के साथ पुण्य का बंध अवश्य होता है। तो निर्जरा के 12 प्रकार हैं, उनमें से हम कितनी 24 आवर्स में साधना कर सकते हैं, 24 घंटा हमें मिलता है। तो निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं, सुबह से शाम तक आप चिंतन करें, आज मैंने निर्जरा के क्या क्या काम किए, क्या क्या अनुष्ठान किए, अनशन उपवास रोज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं छोड़ दे, लेकिन उनोद्री, उनोद्री तब तो हम कर ही सकते हैं। उनोद्री का मतलब है जितनी भूख है उससे हम 1-2 ग्रास कम खाते हैं, वो उनोद्री तब कहा जाता है। अनशन उनोद्री भिक्षाचरी यानी संकल्प करे, आज मैं भक्तामर का पाठ किए बिना नाश्ता नहीं करूंगी, आज मैं नवकार मंत्र की माला फेरे बिना नाश्ता नहीं करूंगी, कोई भी एक संकल्प करे। भिक्षाचरी का मतलब है संकल्प करना कि अमुक संकल्प हम मेरा पूरा होगा, अभिग्रह पूरा होगा तब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी या लंच करूंगी डिनर करूंगी, जो भी आपको संकल्प करना है दिन भर का आप संकल्प एक कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं आराम से निर्जरा के लिए। भिक्षाचरी फिर रस परित्याग यानी 6 विगे हैं, घी दूध दही तेल आदि जो 6 विगे हैं, उनमें से आप 6 विगे तो रोज खाते नहीं अपन, तो आप संकल्प कर सकते हैं कि आज मैं दही नहीं खाऊंगा, कभी कर लिया मैं दूध नहीं पीऊंगा, या आज मैं गुड़ घी तेल आदि नहीं खाऊंगा, 6 विगे का भी वर्जन कर सकते हैं। छह ना कर सके तो 1, 2, 3 जो भी आपकी इच्छा हो वो आप उतना विगे वर्जन भी रोज का कर सकते हैं, तो आपकी निर्जरा होती जाएगी। जितना जितना आप त्याग करते जाएंगे, शुभ अनुष्ठान करेंगे, उतनी उतनी निर्जरा होती जाएगी। उसके बाद है रस परित्याग काया क्लेश, काया क्लेश का मतलब है एक्सरसाइज, आसन जो हम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं वो उसका उद्देश्य फिटनेस नहीं होना चाहिए लेकिन निर्जरा होनी चाहिए। निर्जरा की भावना से हम एक्सरसाइज करते हैं तब तो हमें निर्जरा होती है, हमारी फिटनेस बनी रहे, बॉडी अच्छी रहे, तो फिर उतना ही आपको लाभ होगा, उससे आपकी निर्जरा नहीं होगी। तो एक्सरसाइज भी यानी आसन भी एक निर्जरा का प्रकार है। तो भगवान महावीर भी वीर आसन करते थे, उक्रू आसन करते थे, पद्मासन में बैठते थे, घंटों घंटों बैठते थे, तो उनका लक्ष्य था निर्जरा। वैसे ही हम अपना लक्ष्य बना सकते हैं कि मुझे भी निर्जरा के लिए एक्सरसाइज आदि करना है। प्रतिसलिनता, प्रतिसलिनता का मतलब इंद्रिया और मन, हमारी जो 5 इंद्रिया हैं और एक मन है उनको कंट्रोल में रखना, क्योंकि हमारी इंद्रिया तो
विशेष सुखों के लिए जो अच्छी अच्छी चीजें होती है उनके लिए उनकी ओर दौड़ती रहती है, लेकिन हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। हमारा मन इधर उधर घूमता रहता है, उनको भी हमें कंट्रोल में रखना है। तो पांच इंद्रिय और मन को वश में करने से भी हमारी क्या होती है, निर्जरा होती है। आपको कोई खाने की इच्छा हो रही है लेकिन आप बोलेंगे नहीं आज मुझे वो वस्तु नहीं खाना है, मेरा मन हो गया लेकिन वो नहीं करना है, मन के अनुसार मुझे नहीं चलना है, मुझे अपने मन पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल में रखना है। उससे क्या होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते मन भी आपका कहना मानने लग जाएगा, उससे निर्जरा होगी, प्रतिसंध्या। इसके बाद है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब है दिन भर में जो भी सुबह से शाम तक जो भी हमें पाप लग गए उसकी शुद्धि के लिए हम प्रायश्चित करें। अगर आपसे बड़ी मिस्टेक हो गई है, बड़ा पाप हो गया है, उसका तो गुरुदेव के सामने या साधु साधु के सामने या समणी जी के सामने आप प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो दिन भर में काम, क्योंकि बिजनेस के काम में, घर के काम में जो भी हमें दोष लग गया उसके प्रायश्चित के लिए सोते समय चार लोगस का ध्यान कर ले, ताकि हमारे दिन भर में जो भी पाप लगे, पहले बोले दिन भर में जानी अनजानी जो भी पाप लगे हैं उसके प्रायश्चित के लिए मैं चार लोगस का ध्यान करती हूँ, करता हूँ। ऐसे करने से क्या है, दिन भर के पाप हमारे क्लीन हो जाएंगे। तो प्रायश्चित करे, विनय करे यानी बड़ों का विनय करे, वैयावृत्ति यानी सेवा करे, किसी ने किसी की सेवा करे, अगर साधु साधी गांव में है तो उनकी सेवा करे, वो नहीं होते हैं तो आप और किसी की मतलब सेवा करे, तो सेवा करने से भी बहुत निर्जरा होती है। तो वैयावृत्ति यानी सेवा करना, स्वाध्याय, स्वाध्याय करे, कोई ना कोई एक बुक पढ़े, संकल्प करें आज मुझे 2 पेज या 5 पेज जितना भी आपके पास टाइम है उतना पढ़ना है, मुझे रोज स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय नहीं कर सकते तो क्लास ज्वाइन करते, वो भी आपका एक प्रकार का स्वाध्याय हो जाता है। तो स्वाध्याय भी निद्रा का प्रकार है। ध्यान, ध्यान करने से भी क्या होता है, हमारी कर्मों की निद्रा होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, एक व्यक्ति आधा घंटा ध्यान करता है और एक व्यक्ति 2 दिन की तपस्या करता है, दोनों को बराबर लाभ होता है। शुद्ध ध्यान अगर कर लेता है, एकदम स्थिरता पूर्वक पूरे मन को कंसंट्रेट करके करता है, तब उनको इतना लाभ होता है। तो शुद्ध ध्यान करने से आधा घंटा बिल्कुल भी निर्विचार, कोई भी विचार ना करे, दूसरे दूसरे अच्छे मतलब चलो चलो धार्मिक जो है बातें वो चिंतन कर सकते हैं, उसकी अनुप्रेक्षा कर सकता है, लेकिन संसार से संबंधित कोई भी चिंतन नहीं करना है। तो ध्यान करने से भी कर्मों की निद्रा होती है। और कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग का मतलब है रिलैक्सेशन का प्रयोग, भेद विज्ञान का प्रयोग, उसमें हमें भेद विज्ञान का प्रयोग करना है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसे हमें 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको टाइम है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये निद्रा की 12 प्रकार है, उनमें से उपवास सबसे नहीं हो सकता है, बाकी 11 तो हम रोज कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हम 11 तो निद्रा के प्रकार आराम से कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो संभव हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट है, भली लेस्या ने भला परिणाम, भली लेस्या ने भला परिणाम थी निश्चय निद्रा थाय हो लाल, जब पुन लागे छे जीव रे सहजे स्वभावे ताही उलाल। भली लेस्या का मतलब है शुभ लेस्या, लेस्या कितनी है, 6 लेस्या है, कृष्णा नील कापो तेजस पद्म शुक्ल, ये 6 लेस्या है। तो 6 लेस्या में से प्रथम 3 लेस्या अशुभ है, भली नहीं है, खराब है, और लास्ट की जो 3 लेस्या है तेजस पद्म और शुक्ल, ये 3 लेस्या बहुत अच्छी है, शुभ लेस्या उनको कही जाती है। तो इसमें कहा गया कि भली लेस्या ने भला परिणाम थी, भली यानी शुभ लेस्या और भला यानी शुभ परिणाम थी, शुभ परिणाम से निश्चय ही निश्चित है ना श्योर निर्जरा होती है। निर्जरा था क्या मतलब, निर्जरा होती है जब हमारी शुभ लेस्या होती है, शुभ परिणाम होता है, तो निश्चित रूप से हमारे निर्जरा होती है। जब जब आप शुभ लेस्या में रहते हैं, शुभ भावों में रहते हैं, उस समय श्योर हमारी निर्जरा होती है। वो शुभ लेस्या शुभ परिणाम कब हो सकता है, जब हम स्वाध्याय करें, ध्यान करें, हम मंत्र जाप करें, तब हमारे परिणाम, हमारी भावधारा, हमारी विचारधारा अच्छी रह सकती है। और
और उससे क्या होती है, कर्मों की निर्जरा अपने आप होती है। जब पुण्य लागे छे जीवरे सहजे स्वभावे ताइयो लाल, उससे क्या होता है, पुण्य यानी पुण्य लगता है, क्योंकि आपने शुभ परिणाम रखा, शुभ लेस्या आपकी हो गई, तो उससे क्या हुआ, निर्जरा हूँ, निर्जरा हूँ, तो निर्जरा के साथ क्या हुआ, पुण्य लागे छे, यानी उसके साथ पुण्य भी लगते हैं, यानी पुण्य का बंध भी उसके साथ होता है। सहजे स्वभावे ताइयो, सहजे स्वभाव यानी सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में पुण्य का बंध भी शुभ परिणाम के साथ, शुभ लेश्या के साथ होता है। तो हमें शुभ परिणाम, शुभ लेश्या रखना है। हम जो यानी हमारी अशुभ लेश्या यानी जो क्रूरता के भाव है, हिंसा के भाव है, वो सब क्या है, अशुभ लेश्या है। और धार्मिक चिंतन है कि अब मुझे सामायिक करना है, अब मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे क्लास ज्वाइन करना है, जो अच्छे भावों में आप रहते हैं, वो शुभ भाव जब आपके चलते रहते हैं, उसके साथ साथ क्या होती है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। जे करनी करे निर्जरा तणी, पुण्य तणी मन में धार हो लाल, ते तो करनी खोई ने बापड़ा गया जमारो हार हो लाल। ये कितनी बड़ी बात कही आचार्य भिक्षु ने, जे करनी करे निर्जरा तणी, पुण्य तणी मन में धार हो लाल। पुण्य तणी यानी पुण्य की इच्छा मन में रख करके, धार का मतलब मन में रख करके जो करनी निर्जरा के लिए करता है, भावना क्या है, पुण्य की, और उसके पीछे पुण्य की इच्छा से वो क्या करता है, निर्जरा की करनी करता है। तो निर्जरा की करनी करता है, उससे क्या होता है, ते तो करनी खोई ने बापड़ा, बापड़ा मतलब बिचारे, वे तो करनी खो करके गया जमारो हार हो लाल। उसने मनुष्य जन्म को भी खो दिया। जो पुण्य की कामना से निजरा की करनी करते हैं, वे बेचारे उस करनी को व्यर्थ ही होकर मनुष्य जन्म को हारते हैं। मतलब उसने पुण्य की इच्छा की, पुण्य की इच्छा से उसने उपवास कर लिया सपोज, पुण्य की इच्छा के लिए ध्यान कर लिया, पुण्य की इच्छा के लिए स्वाध्याय कर लिया, वो सब कुछ कर रहा है निर्जरा की है, मतलब साथ में निर्जरा निर्जरा की निर्जरा भी हो रही है, लेकिन वो क्या है, निर्जरा उसे नहीं होगी, क्योंकि इसकी इच्छा क्या है, पुण्य की इच्छा है। तो पुण्य की इच्छा से मन में पुण्य की इच्छा रख करके वो करनी करता है निर्जरा की, करता तो निर्जरा की है, साथ में उपवास भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, लेकिन इच्छा क्या है, पुण्य की इच्छा है। तो पुण्य की इच्छा करने से वो बिचारा बापड़ा मतलब बिचारे क्या है, वो करनी भी उनकी व्यर्थ चली गई, जो उपवास किया स्वाध्याय किया वो सब व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया, और उसका मनुष्य जन्म भी उन्होंने क्या किया, अपना खो दिया, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला लेकिन इच्छा क्या की, पुण्य की इच्छा की, उसके लिए बहुत किया लेकिन पुण्य की इच्छा करने से उनकी निर्जरा नहीं हुई। निर्जरा कब होती है, जब हम निर्जरा करते हैं उसके साथ पुण्य होता है, पुण्य के साथ निर्जरा कभी भी नहीं होती है। इसलिए कोई भी काम हमें पुण्य के लिए नहीं करना है, निर्जरा के लिए। एकमात्र लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान करें उसके पीछे एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमारा हमारी निर्जरा हो, कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा की शुद्धि हो। जितनी जितनी कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, आत्मा शुद्ध होती जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा सारे कर्म क्षय हो जाएंगे और हमारा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष कब होता है, आठों कर्म जब हमारे नष्ट हो जाते हैं, अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, तब हमारा मोक्ष होता है। पुण्य तो चौफर्षी कर्म छे, तिणरी वंछा करे ते मूड हो लाल, त्या कर्म ने धर्म न ओलखो, करे करे मिथ्यात्मनी रूढ़ हो लाल। पुण्य तो चतुष्पर्शी कर्म है, जो उसकी कामना करते हैं, तिणरी का मतलब उसकी, वंचा का मतलब कामना या इच्छा करता है, के तो मूढ़ हो, वे तो मूढ़ है, मूर्ख है। क्या कर्म ने धर्म न ओलख्यो, उसने कर्म और धर्म में क्या डिफरेंस है, उसको न ओलख्यो ने पहचाना नहीं। करे करे मिथ्यात्मनी रूढ़ हो लाल, वो तो केवल क्या करता है, मिथ्यात्व की रूढ़ी है, मतलब मिथ्यात्व की रूढ़ी में पड़े हैं। वो पुण्य की जो इच्छा करता है वो तो क्या है, मूढ़ है, क्योंकि इसका मतलब है उसने कर्म क्या है, धर्म क्या है,
दोनों में क्या डिफरेंस है, पुण्य कर्म क्या है, धर्म क्या है, उसको नहीं समझा है। और तो मिथ्यात्मी है, एक प्रकार का मिथ्यात्मी होता है, तो मिथ्यात्मी होता है वो पुण्य के लिए काम करता है, स्वर्ग के सुखों के लिए करता है। जैसे तामली तापस था वो मिथ्यात्मी था, वो तपस्या क्यों करता है इतनी तपस्या, बेले बेले आमिल का पारणा 60,000 वर्ष तक किया, मिथ्यात्म था। तो उनकी इच्छा क्या थी कि अभी मुझे अच्छा सब कुछ मिला है, सब कुछ फैसिलिटी मिली है, इसका मतलब है मैंने पूर्व भव में पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया था, इसलिए इस जन्म में मुझे पुण्य के योग से सब कुछ मिला है। इस जन्म में अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो नेक्स्ट में भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा चिंतन आता है, इसलिए वो तापस बन जाता है। तापस बनने के बाद वो संकल्प करता है कि मैं बेले बेले तपस्या करूंगा और उसमें भी पारणा में क्या करूंगा, आमिल करूंगा। उस आमिल में भी वो चावल खाता था, कहा जाता 21 बार उसको धो करके खाता था, टेस्ट लेस करके खाता था। तो इतनी तपस्या की, 60,000 वर्षों तक आमिल तप किया, लेकिन उससे उनको क्या मिला, स्वर्ग के सुख मिले, स्वर्ग के वो इंद्र बन गए, इससे ज्यादा नहीं मिला। भगवती सूत्र में प्रसंग आता है यदि तामली तापस जितना कोई तप कर लेता तो 7 जीव मोक्ष जा सकते थे, इतना उन्होंने तप किया, 7 जीवों का मोक्ष हो सकता था। अगर सम्यक्तियों के साथ अगर तप होता तो 7 जीव मोक्ष जा सकते थे, इतना तप किया। लेकिन मिथ्यात्व के कारण उनको स्वर्ग के सुख अवश्य मिले, लेकिन मोक्ष के सुख उनको नहीं मिले। इसीलिए कहा गया कि हमें क्या है, धर्म पुण्य क्या है, धर्म क्या है, उन सबको हमें उलखना यानी पहचानना चाहिए। नहीं तो हमारा क्या मिथ्यात्व होता है, तो मिथ्यात्व के कारण मोक्ष तो मिलता नहीं है, मिथ्या भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं, वो स्वर्ग में अवश्य जा सकते हैं। तो स्वर्ग के सुख केवल मिथ्यात्मी को मिल सकते हैं, मिथ्यात्मी को मोक्ष के परमानेंट जो सुख है वो उनको नहीं मिल सकते हैं। जे जे पुण्य थी वस्तु मिले मिल मिले सक मिले तके त्याने त्याग्या निर्जरा था योला, जो पुण्य भोगवे गृद्धि तको तो चिकना कर्म बंधाय होला। जे जे पुण्य थी वस्त्र मिले तके, जे जे मैंने जो जो पुण्य थी यानी पुण्य से, वस्त्र यानी वस्तु, मिले तके ने मिलती है, त्याने त्याग्या निर्जरा थाय हो, उनको त्यागने से निर्जरा होती है, त्याने मैंने उनको, त्याग यानी त्याग करने से निर्जरा था यानी निर्जरा होती है। जो जो पुण्य से हमें वस्त्र मिलती है, अभी मैंने आपको बताया पहले स्टार्ट किया तब कि पुण्य से हमें सारी जीव जो भी फैसिलिटी के साधन है वो सब पुण्य से मिलते हैं, जो भी आपको घर में सुख समृद्धि जो भी है वो सब पुण्य के उदय से मिलती है, यानी आप उनका अगर त्याग करते हैं तब आपकी निर्जरा होती है। यदि आप जो पुण्य भोगे घृति थकी, यदि पुण्य का उदय है आप पांचों इंद्रियों के जो विषय सुख है उनको घृति थकी यानी आसक्त होकर के अटैचमेंट रख करके आप अगर उसका भोग करते हैं तो क्या होता है, चिकना कर्म बंधायोला, उसी चिकने कर्म का बंध होता है, निकाचित कर्म का बंध होता है। इसलिए चिका निकाचित जो कर्म होते हैं, चिकने कर्म होते हैं, उनको तो हमें भोगना ही पड़ता है। उत्तराध्यान सूत्र में कहा है कड़ाण कम्मान नमुख थी, किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं, चाहे इस जन्म में भोगो चाहे नेक्स्ट में चाहे कई जन्मों के बाद भी कर्म हमें उदय में आ सकते हैं, क्योंकि जो भी कर्म का बंध होता है उसके पीछे कहा जाता है अबाधा काल होता है। यदि एक कोटा कोटि कर्म का बंध हुआ उसके पीछे 100 वर्षों का अबाधा काल होता है। जैसे ज्ञानामणि कर्म का बंध हुआ 30 कोटा कोटि सागरोपम का अवस्था है टाइम पीरियड, तो 30 कोटा कोटि सागरोपम के पीछे 3,000 वर्ष का अबाधा काल होता है। अबाधा काल का मतलब वो सत्ता में पड़े रहते हैं, तब तक हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, जैसे ही उनका टाइम पीरियड पूरा होता है तब वो हमें फल देना शुरू करता है, तब हमें पता चलता है अरे ऐसे कैसे हो गया, हमने तो ऐसे कुछ किया नहीं था, लेकिन हम तो करके भूल गए, लेकिन कर्म है वो कोई भी चीज भूलता नहीं है, क्योंकि वहां क्या है सब कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा लगा हुआ है, वो सारा हिसाब किताब हमारा करता रहता है, एवरी मोमेंट का वहां हिसाब किताब चलता रहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, कर्मों से हमें बचना है,
चिकने कर्मों का बंध हमें नहीं करना है, क्योंकि कर्म बांधते समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब फल मिलता है तब हमें पता चलता है अब भोगना कितना कठिन हो जाता है। इसीलिए हम ऐसे कर्म का बंध न करें जिससे हमें नरक में, निगोद में, तिरंजगति में, अधोगति में हमें जाना पड़े। ऐसे कर्म का बंध न करें। हमें मनुष्य भाव मिला है तो मनुष्य भाव तो सुरक्षित रखें, मनुष्य से आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मनुष्य से मनुष्य बनना, मूल पूंजी को सुरक्षित रखना है। मनुष्य से यदि हम देव गति में जाते हैं इसका मतलब है मूल पूंजी को बढ़ाना, लेकिन मनुष्य से यदि हम नरक गति में चले जाते हैं, तिरंज गति में जाते हैं, इसका मतलब है मूल पूंजी को भी हम खो देते हैं। तो मूल पूंजी को हमें सुरक्षित रखते हुए आगे और हमारा कैसे प्रोग्रेस हो सकता है उसके बारे में हमें चिंतन करना है, लेकिन हम निकाचित कर्म का बंद न करें, उसका हम ध्यान रखें। डे टू डे लाइफ में जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं उसमें देखें कि हम ऐसा किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति हमारा अटैचमेंट तो नहीं है। सपोज आप खाना भी खा रहे तो आसक्ति से तो नहीं खा रहे, खाना भी सुधार, सब्जी भी सुधार रहे तो उस समय भी आसक्ति तो नहीं आ रही है, अरे मेरे मुझे बहुत अच्छी सुधारनी है ताकि सब लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे बहुत अच्छी बनानी है। उससे क्या होता है, निकाचित कर्म हमारे बंद जाते, हमारे जितने तीव्र अध्यवसाय होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, हमारे जो भावधारा होती है उससे क्या होता है चिकने कर्म बंध जाते हैं। तो पाप का कर्म करते हैं उस समय आपकी भावधारा तीव्र होती है तो चिकने कर्म बनते हैं, और आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उस समय आपके जितने भाव ऊंचे होते हैं उतने शुभ कर्म का बंध होता है, पुण्य कर्म का बंध होता है। तो जैसी हमारी भावधारा चलती है शुभ अथवा अशुभ, तो वैसे ही कर्म का बंध होता रहता है। एवरी मोमेंट जोड़ कीरी पुनः उलखाए उलखाए वा श्री जी दुबारा शहर मझार हो लान, संवत 1895 जेठ विद नवमी सोमवार हो लान। ये जो आचार्य भिक्षु ने जो ढाल बनाई, ढाल की रचना की, वो बता रहे हैं ये जो पुण्य तत्व का बोध कराने के लिए श्री जी द्वारा, यानी वर्तमान में जो नाथ द्वारा है मेवाड़ में, राजस्थान में, वहां पे की थी इसकी रचना। और संवत 1855 ज्येष्ठ कृष्णा नवमी सोमवार को इस ढाल की रचना की थी, ऐसा आचार्य भिक्षु कहते हैं। इस प्रकार ये पुण्य की दो ढाल है, उसमें से फर्स्ट ढाल हमारी कंप्लीट हुई है। अब इसी से संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम।